दोस्तों सहारा रिफंड पैसे को लेकर एक नई अपडेट निकल के आ रही है। अगर आपका भी सहारा में पैसा फंसा हुआ है और आप रिफंड पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो यहाँ पे दोस्तों अब जो क्लेम प्रोसेस का जो प्रक्रिया है वो अब शुरू कर दिया गया। तो अगर आपका भी आवेदन क्लेम प्रोसेस में चला गया तो अब आपको जल्द ही पैसे आपके खाते में मिलना शुरू हो जाएगा। सो आगे इसी के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप चेक करेंगे कि आपका क्लेम प्रोसेस में गया है या फिर नहीं गया है और कब तक आपको पैसे मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल आज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है सुना वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपका भी सहारा में पैसा फंसा हुआ है और आप रिफंड पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तो यहाँ पे क्लेम प्रोसेस का जो प्रक्रिया है वो अब जो होना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में आप पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर आना होगा। अब इस पोर्टल पे आने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जमाकर्ता लॉगिन, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों अपना आधार नंबर लास्ट का यानी कि अंतिम का 4 अंक दर्ज करना है और आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। OTP प्राप्त करे पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको OTP सत्यापित करे पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP सत्यापित करे पे क्लिक करें इस तरह से आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपका सदस्य संख्या, उसका संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र सब नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए जमा खुलने की तिथि आपको देखने को मिलेगा, कितने राशि के लिए आपने आवेदन किया वो अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो उसी के आगे यहाँ देखिए स्थिति और स्थिति के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये आवेदन अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, यानी कि ये जो भी व्यक्ति आवेदन किए उनका अभी आवेदन जो है अंडर प्रोसेसिंग में है, लेकिन यहाँ पे अब जो है क्लेम प्रोसेस होने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। तो आगे मैं आपको दूसरा भी आवेदन स्टेटस चेक करके बताऊंगा कि कैसे आप जान पाएंगे। तो अगर आपका जो है यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर क्लेम प्रोसेस में जाता है तो उसके बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले आपको जो है दूसरा यहाँ पे स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ, फिर मैं आगे आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दूसरा आवेदन यहाँ पे चेक कर लिया हूँ और दूसरे आवेदन में भी यहाँ पे देख सकते हैं सदस्य संख्या दिया गया, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, जमा खोलने की तिथि और कितने रुपए के लिए आवेदन किए वो राशि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ देखे स्टेटस में आपको क्लेम प्रोसेस बताया गया है। तो अगर इस तरह से आपका भी स्टेटस के नीचे क्लेम प्रोसेस बताया जा रहा है तो अब आपको जल्दी आपके खाते में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप जानिए कि आखिर कैसे क्लेम प्रोसेस में जाते हैं तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका आवेदन क्लेम प्रोसेस में चला जाता है तो आपको पैसा मिलने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको लेकर भी देखिए पोर्टल पर पूरे विस्तार से बताया गया, तो उसके लिए आप फिर से केंद्रीय पंजीयक सहायक रिफंड पोर्टल पर आ जाइए। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए पूरे विस्तार से जानकारी दिया गया। यहाँ पे देखिए क्लियर बताया गया कि सारा समूह की सहकारिता समितियों के जमाकर्ताओं के विरुद्ध बकाए के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्रतिपात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं के सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े यानी कि NPCI से जुड़े अध्ययन बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावे को दस्तावेज में किसी कमी मिला न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी और जमाकर्ताओं को पुनः आवेदन करने हेतु लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि अगर आप आवेदन करते तो प्रथम चरण में आपको 10,000 रुपये ही दिया जाएगा, चाहे आप 20,000 के लिए आवेदन किए हो, 1,00,000 के लिए आवेदन किए हो, लेकिन आपको प्रथम चरण में 10,000 रुपये मिलने वाले। अब जिसका किसी भी कारणवश मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया गया तो वो जो सो पुनः फिर से आवेदन कर पाएंगे और इसी को लेकर यहाँ देखिए जानकारी दिया गया।